चलिए अब आपको सीधे एयरपोर्ट लिए चलते हैं। प्रदेश प्रभारी अजय माकन पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 11:30 बजे का वक्त था, अब थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन ये एयरपोर्ट से तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं। इसके बाद आज एक दिवसीय उनका दौरा है, तमाम कार्यक्रम भी हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी उनके साथ में मौजूद। अब बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा अजय माकन का, किस तरीके से सुबह से लेकर अब शाम तक बैठकों का दौर चलता है, किस तरीके से मंथन किया जाता है, उस पर भी लगातार नजर रहेगी। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, फिलहाल ये एयरपोर्ट की तस्वीर है। लगातार इंतजार भी किया जा रहा था कब अजय माकन एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, अब ये सीधी तस्वीरें आपके सामने है। जयपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर ये तस्वीरें। कार्यकर्ता बाहर इंतजार कर रहे थे अजय माकन के पहुंचने का, जैसे ही पहुंचे उनका स्वागत किया गया बुके देकर। और क्योंकि उपचुनाव होने, इस लिहाज से भी उनका ये दौरा आज का एक दिवसीय ही भले हो, लेकिन इसके कई मायने हैं। बैठकें होंगी लगातार, मंथन भी वो करेंगे, खुद सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के साथ भी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ भी, पीसीसी के पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बातचीत होगी, मीटिंग भी होंगी, जहाँ जहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने, कुछ बोलेंगे क्या, ये कोशिश की जा रही है। देखिए, उपचुनाव के सिलसिले में, उसकी तैयारी के सिलसिले में और कैंडिडेट्स के चयन के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं, और आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। और हम लोगों ने अपने ऑब्जर्वर्स और कई प्रभारी मंत्री वहाँ पर काफ़ी समय से तैनात हैं, और पंचायत वाइज हमारे लोग वहाँ पे तैनात हैं, और सब लोगों ने अपनी फीडबैक दी है, और वो फीडबैक के आधार के ऊपर हम लोग कैंडिडेट्स तय करेंगे। हम लोग जो हैं पीसीसी प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री जी दोनों से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पैनल बना करके दें, ताकि सीईसी से दिल्ली के अंदर उसको क्लियर करा करके हम लोग जल्द अनाउंस कर सकें। तो आज मुख्यतः यहाँ पे आने का मकसद यही। जल्दी, अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ भैया, कल नोटिफिकेशन होगी, तो जब नोटिफिकेशन होगी हम लोग तैयारी में सबसे आगे हैं। जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, जो हमारे प्रभारी उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, सबके सब लोग तैनात हैं और कई हफ्तों से तैनात हैं वहाँ पर। जो है जैसे मैंने कहा, पंचायत स्तर पर ड्यूटीज लग गई हैं, लोग वहाँ पर ऑलरेडी जाकर के काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और जब कांग्रेस की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, इतना शानदार बजट लेकर के आए हैं, तो हम लोगों को उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। हम लोग तैयारी में और सरकार के काम में, दोनों में हम लोग विपक्षी पार्टी से कहीं ज़्यादा आगे। सीएमआर में भी सर इसी को लेकर चर्चा? बिल्कुल, ये उपचुनाव को लेकर के ही चर्चा है। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंचे, अपनी बात रखी, अपने दौरे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर ही उनका आज का दौरा महत्वपूर्ण है, दावेदारों को लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है, जो प्रभारी है उनसे लगातार फीडबैक भी उन्होंने दिल्ली रहते भी लिया, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर हैं तो और भी नज़दीक से चीज़ों को समझेंगे, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है वहाँ पर, क्या रिपोर्ट प्रभारियों के द्वारा उनको दी जाती है, पैनल को अपने साथ दिल्ली लेकर वो जा सकते हैं, ऐसी खबर है, और जल्द ही नाम पर मुहर भी लगा दी जाएगी। अब यहाँ से काफिला निकला, अब लगातार बैठकों का दौर भी शुरू होगा, मुख्यमंत्री से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है, उनके साथ भी मंत्रणा करेंगे चुनाव को लेकर। उसके बाद पीसीसी पदाधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होनी है, जो प्रभारी हैं उनसे भी एक रिपोर्ट वो लेंगे, किस तरीके से पार्टी वहाँ पर ग्राउंड पर काम कर रही है। उन्होंने कहा तैयारियों के बारे में जानकारी दी, साफ तौर से कहा कि सबसे ज़्यादा पुख्ता तैयारी कांग्रेस की ही है और जीत कांग्रेस की होगी, सरकार ने बेहतरीन काम किया है, उपचुनाव सरकार के कामकाज पर भी डिपेंड करेगा, सरकार पर भरोसा आम लोगों का है, विधानसभा के उपचुनाव जहां पर भी होने हैं वहां पर विधानसभा क्षेत्रों में लोगों का जो रुझान है वो सरकार के साथ है, लोगों का भरोसा है सरकार पर, और इसीलिए भी जीत कांग्रेस की होगी। अब किस तरीके से उनकी बैठकें आज दिन भर होती हैं, हालांकि एक दिवसीय उनका दौरा है, शाम होते होते दिल्ली वो रवाना हो जाएंगे, अब नज़र इस बात पर कि पैनल उनके साथ दिल्ली जाएगा या फिर नहीं जाएगा, उसके बाद कब तक दावेदारों के नाम का अनाउंसमेंट किया जाता है, इसको लेकर भी इंतजार लगातार है, क्योंकि विधानसभा उपचुनाव को लेकर काउंटडाउन एक तरीके से जारी है, काउंटडाउन चल रहा है। अब जल्द ही हर दोनों ही दलों की तरफ से, आप सोचे कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रदेश प्रभारी अजय माकन खुद जयपुर आकर भी, दिल्ली में बैठकर भी अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, अलग अलग विधानसभा
क्षेत्रों को लेकर, उसके बाद बीजेपी की भी अपनी तैयारी है, लगातार नामों को लेकर वहां पर भी मंथन हो रहा है। अब साफ तौर से जैसे कि अजय माकन ने भी कहा कि पुख्ता तैयारी कांग्रेस की है, बेहतरीन तैयारी है, ग्राउंड को लोगों को पहले ही जिम्मेदारियां दे दी गई थी, ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट उन तक पहुंचाई जा रही है, ग्राउंड पर काम किया जा रहा है, जो नाम डिसाइड किए गए हैं उन पर मंथन आज भी होगा और उसके बाद संभवतः बहुत जल्दी ही नामों पर मुहर भी लग जाएगी, नाम आपके सामने होंगे। अब किस किस पर दावा लगाया जाता है, किस किस पर जिम्मेदारी दी जाती है विधानसभा उपचुनाव में जीत की, इसको लेकर भी आज मंथन और उसके बाद जल्द ही नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। जयपुर का एक दिवसीय दौरा है प्रदेश प्रभारी अजय माकन का, बेहद महत्वपूर्ण है उपचुनाव के लिहाज से भी।